यशया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 60। यशया अध्याय 60। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और अन्य जातियां तेरे प्रकाश की ओर, राजा तेरी चमक की ओर चलेंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र तो दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां गोद में पहुंचाई जा रही है। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा और तेरा हृदय थरथरा जाएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सब धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में ऊंटों के झुंड, मिद्यान और इपादेशों की सारणियां इकट्ठी होगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवादन आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएगी। नबायोत के मेंढे तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे, वे मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी शोभायमान कर दूंगा। ये कौन है जो बादल की नाई और दरबाव की ओर उड़ते हुए कबूतरों की नाई चले आते हैं? निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तर्शीश के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इसराइल के पवित्र के निमित्त दूर से पहुंचाए, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है और परदेशी लोग तेरी शहर पनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहर करेंगे। क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख तो दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया करूंगा और तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे और दिन को न रात को बंद किए जाएंगे, जिससे अन्य जातियों की धन संपत्ति और उनके राजा बंधुए होकर तेरे पास पहुंचाए जाए। क्योंकि जिस जाति और राज्य के लोग तेरे अधीन न होंगे वह नष्ट हो जाएगी। हाँ, ऐसी जातियां पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगी। लबानों का विभव अर्थात सनोबर और देवदार और सीधे सनोबर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे, ताकि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा और तेरे दुख देने वालों के संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया था सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे, और वे तेरा नाम यहोवा का नगर इसराइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। तू तो छोड़ी गई और घृणित ठहरी, ऐसा कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता। इसकी संति मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा, और तू अन्य जातियों का दूध भी पी लेगी। हाँ, राजाओं की छातियां चूसेगी और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाला और याकूब का शक्तिमान हूँ। मैं पीतल की संति सोना और लोहे की संति चांदी और लकड़ी की संति पीतल और पत्थर की संति लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हकीम को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धर्म की कसौटी ठहराऊंगा। फिर कभी तेरे देश में उपद्रव की और न तेरे सिवानों के भीतर उत्पात व अंधेर की चर्चा सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहर पनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर तेरा उजियाला दिन को न सूर्य से होगा न चंद्रमा के चमकने से, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और तेरी चंद्रमा की ज्योति मलिन न होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे और तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। वे देश के अधिकारी सर्वदा रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे।
जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। सबसे छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे नीच एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्र पूरा करूंगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 60। यशायाह अध्याय 60। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ।